ऑल अबाउट सेंट्रल डॉगमा। ये क्या है बेटा? सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा एक्चुअली हम कहते हैं कि जब भी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ये कलेक्टिव प्रोसेस क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉगमा। डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको कलेक्टिवली सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली प्रोटीन का बनना है, यहां पर देखें आरएनए, आरएनए स्पेसिफिकली जेनेटिक कोड होता है इसके ऊपर जो डीएनए ने दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोटीन के बनने को हम सिंपली जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसे जीन एक्सप्रेशन? क्योंकि जो आरएनए के ऊपर जीन लगे होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उसके एक्सप्रेशन से ये एंड रिजल्ट हमें मिलता है क्या? प्रोटीन। तो जीन एक्सप्रेशन, दैट्स वाई हम इसे कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। ओके जी, अब इसमें जो मेजरली दो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले डीएनए से जो आरएनए बनता है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए प्रोटीन बनता है इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसका मतलब ये जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट किया जाता है। इस वो जो जेनेटिक कोड है, वो जो खुफिया एक इंफॉर्मेशन दी है डीएनए ने, उसको ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन बनाया जाता है। तो ट्रांसलेशन ये भी एक अलग से टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो अभी का हमारा जो कंसर्न है वो है सेंट्रल डॉगमा में ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने सिंपली पहले ये देखना है कि इसे हम हेट्रोकैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इससे पहले अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोकैटालिसिस। तो ये हेट्रोकैटालिसिस, हेट्रोकैटालिसिस। डीएनए से डीएनए बनना ऑटोकैटालिसिस, और डीएनए से आरएनए बन रहा है ये क्या कहलाता है? हेट्रोकैटालिसिस। अब इसमें हमने आरएनए बनाना है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को पढ़ के राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो सिंपल इसकी अगर कहानी बनाएं तो ये याद रखिएगा कि आप समझें जो डीएनए है ये एक चौधरी टाइप, कोई नवाब टाइप बंदा है जिसने खास माल तैयार करवाना है फैक्ट्री से, कुछ माल तैयार करवाना है। और फैक्ट्री से माल तैयार करवाने के लिए जो फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, आप राइबोसोम को समझें फैक्ट्री, डीएनए को समझें चौधरी। डीएनए का मुंशी है जिसको इसने भेजना है फैक्ट्री में माल तैयार करवाने के लिए, वो मुंशी है आरएनए। ठीक है, और डीएनए ने, चौधरी साहब ने जो माल तैयार करवाना है, जितना बड़ा माल तैयार करवाना है, जितना ज़्यादा माल तैयार करवाना है उतने ज़्यादा पैसे भी तो देगा। तो जो जेनेटिक कोड है, जो न्यूक्लियोटाइड है, वो आप समझें पैसे। अगर प्रोटीन बड़ा बनवाना है तो पैसे ज़्यादा देगा, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड आरएनए के पास ज़्यादा होंगे। अगर छोटा प्रोटीन बनाना है या माल थोड़ा बनवाना है तो उसके लिए पैसे थोड़े होंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड थोड़े होंगे। अब यहाँ पर राइबोसोम के पास आ जाएं, जो कि एक्चुअल फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने माल तैयार करना है तो डेफिनेटली फैक्ट्री को चाहिए मजदूर। तो राइबोसोम की फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं वो हैं ट्रांसफ़र आरएनए। तो आप समझें ट्रांसफ़र आरएनए क्या है? मजदूर हैं। अब फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, ऐसे ही ट्रांसफ़र आरएनए की बहुत सारी टाइप्स हैं। हम अगर देखें कोई भी नॉर्मल प्रोटीन बनता है उसमें 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, तो कितने ट्रांसफ़र आरएनए सेल में होंगे? 20 तरह के। तो सिंपल आप समझ लें कि जब भी डीएनए ने
आरएनए के ज़रिए से, अपने मुंशी के ज़रिए से राइबोसोम फैक्ट्री को कहना कि ये माल तैयार करके दो, इतना बड़ा प्रोटीन तैयार करके दो, राइबोसोम ने उसी वक्त अपने मज़दूरों को बुलाना है। अब वो मज़दूरों को कैसे बुलाएगा, 20 तरह के ट्रांसफ़र आरएनए, हर एक ट्रांसफ़र आरएनए के सर पे लगा, सिंपल आप उसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसकी हेड पे लगा होता है एक अमीनो एसिड, तो 20 ट्रांसफ़र आरएनए हैं तो कितने अमीनो एसिड हुए, 20, हर एक के पास एक है, एक ट्रांसफ़र आरएनए एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, सही है। तो वो राइबोसोम उसे आवाज़ देता है और आवाज़ देता है और कहता है ये अमीनो एसिड मुझे दो, तो वो अमीनो एसिड राइबोसोम के पास छोड़ के वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है। कौन भला, हाँ, एक ट्रांसफर आरएनए के पास एक अमीनो एसिड होगा, और फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है 20 तरह के ट्रांसफर आरएनए है, हर एक के पास एक एक अमीनो एसिड है। अब वो अमीनो एसिड उठाए फिर रहे हैं कि अमीनो एसिड ले लो, अमीनो एसिड ले लो, जब भी राइबोसोम ने उसे आवाज़ देने की, आ जाओ भाई तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, तो वो जिसको आवाज़ देगा वो राइबोसोम के पास जाएगा, अमीनो एसिड उसे देगा, राइबोसोम उस अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ेगा, पेप्टाइड एक लिंक बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन बनता है। किसके पास, राइबोसोम के पास कुछ नहीं है, राइबोसोम के पास सिर्फ जब इंफॉर्मेशन आती है आरएनए मैसेंजर आरएनए की सूरत में, वो अमीनो एसिड बुलाता है, ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है कि मुझे अमीनो एसिड दे दो। आप समझे, ट्रांसफर आरएनए छाबड़ी फरोश है, ठीक है, उसके सर पे है, एक के पास नहीं है, 20 मजदूर हैं, हर एक के पास एक है, ठीक है। ये है, इसके पास मिथ्योनीन है, ये दूसरा है, इसके पास एलानीन है, तो 20 तरह के अमीनो एसिड हैं, 20 तरह के ही ट्रांसफर आरएनए हैं। अब यहाँ पर डीएनए ने मैसेज मुझे भेजा, फॉर एग्जांपल मैं राइबोसोम हूँ, मैंने देखा मैसेज आया, उसने कहा सबसे पहले मिथ्योनीन लगाओ मेरे प्रोटीन में, तो मैंने कहना मिथ्योनीन वाला कौन है जी, मिथ्योनीन वाला आ जाएगा, वो एक जेनेटिक कोड इसके साथ मैच होगा तो ये अपना ट्रांसफर आरएनए दे देगा, ठीक है। इसके बाद ये चला जाएगा वापस, एक और अमीनो एसिड लेके आएगा, तो ये जो राइबोसोम है ये न्यू अमीनो एसिड जोड़ता जाएगा और एक पूरा प्रोटीन बना देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने सिंपल ये देखना है कि जो डीएनए ने अपना मुंशी भेजना है, जो आरएनए भेजना है, वो किस तरह से तैयार उसे करता है, वो जो उसे पैसे देता है, वो जो उसे न्यूक्लियोटाइड देता है, जो जेनेटिक कोड होता है उसके पास, जो आके ये पढ़ाता है, वो किस तरह से कोड बनाता है, ये मेनली अभी एक हिस्सा है हमारा सेंट्रल डॉगमा का। जो ट्रांसलेशन है ये एक नेक्स्ट हिस्सा है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमने डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है। अब डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो इंजाइम्स हैं वो हमने देखने हैं, उसके साथ ये इंजाइम किस तरह से डीएनए से आरएनए बनवाता है वो हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंजाइम की बात कर लेनी है, जितने भी इंजाइम होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो कहलाते हैं एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहलाते हैं वो? आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा बेटा देखें, जितने सेल हैं प्रोक्रियोटिक हैं या यूक्रियोटिक हैं उनमें ये इंजाइम भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोक्रियोटिक सेल की तो डेफिनेटली प्रोक्रियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता, उसमें एक ही एंजाइम होता है सिंगल जो तीनों किस्म के आरएनए बनाता है। हमें पता कितनी किस्म के आरएनए? 3। लेकिन उसको बनाने के लिए प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम है, वो अकेला तीनों किस्म के आरएनए बनाएगा। तो प्रोकैरियोट्स के पास कहता है सिंगल जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तीन किस्म के आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली एंजाइम है जिसने आरएनए को बनाना है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है जिसने न्यू डीएनए बनाना था, तो राइबोसोमल आरएनए भी ये बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी यही बनाएगा, मैसेंजर आरएनए भी यही बनाएगा। जहां पर बेटा समझना है मुझे आपने पूछ लेना है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेटली सेल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है,
और उस कॉम्प्लेक्स सेल में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एफिशिएंसी है ना, सेल जितना कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना उसमें जो वर्किंग है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, लेकिन उसको करने के लिए नेचर ने क्या किया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, हर एक काम की डिवीजन कर दी। अब देखें ये सिंपल सेल है तो सिंपल एक ही काम कर रहा है सारे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेल है तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज की भी कितनी टाइप्स हैं, तीन आरएनए पॉलीमरेज थ्री टाइप्स के हैं। हाँ एक ही तीनों बनाते हैं। इसमें देखें, इसमें अगर आरएनए पॉलीमरेज वन है, आरएनए पॉलीमरेज टू है और आरएनए पॉलीमरेज थ्री है, तीन टाइप्स हैं और तीनों अलग अलग किस्म के आरएनए बनाते हैं। और वो कौन सा, अगर वन की बात करें, ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन सकता है, जो आरएनए पॉलीमरेज वन है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। वो कौन सा आरएनए बनाता है, वन फॉर राइबोसोमल आरएनए, और सेकंड जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है, और जो थर्ड है ये लास्ट वाला ट्रांसफर आरएनए बनाता है। हर एक के लिए अलग एंजाइम है। अब यहां पर आरएनए जो बनाना है ये कहां से बनाना भला, डीएनए से, डीएनए से बनाना ना। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, दोनों दो कॉपी हुए फिर तो डीएनए बनेगा, दो में से कोई एक कॉपी होगा ना उसकी कॉपी होके बाहर निकल जाएगा सिंगल स्ट्रैंड। तो वो कौन सा स्ट्रैंड है जो कॉपी होना चाहिए और उसको क्या कहते हैं, पहले हम ये देखते हैं उसको हम कहते हैं क्या, फिर मैं वजह बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है और उसकी वजह क्या है। अब देखिए एंजाइम के बाद स्ट्रैंड, स्ट्रैंड जो डीएनए में डेफिनेटली दो ही स्ट्रैंड होते हैं, दो ही होते हैं ना, तो ये दो जो स्ट्रैंड हैं इन दोनों को जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो इनको एक अलग अलग हम नाम देते हैं। सारे का सारा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, पहली बात तो ये, हाँ एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है और वही क्यों ट्रांसक्राइब होता है ये भी हम देखते हैं। तो इस स्ट्रैंड में पहला जो स्ट्रैंड है इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसको दूसरा नाम हम देते हैं सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर सेकंड बेस पर इसको नाम हम देंगे एंटीकोडोन, सॉरी एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने आरएनए बनाना होता है ना, जो खुफिया कोड भेजना होता है राइबोसोम के पास, वो एक्चुअली कोड इस स्ट्रैंड के पास होते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी सेम कॉपी हमें तैयार करनी है क्योंकि कोड यहाँ पर लिखा है और उसी किस्म का कोड हमने राइबोसोम के पास भेजना है, तो इसलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड को हम कॉपी करने के लिए सेम यही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, हम ट्रांसक्राइब करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड को, क्योंकि अगर कोडिंग स्ट्रैंड के पास ए है, ठीक है, और इसी तरह से टी है, सी है, जी है, ये एक कोड है, हम चाहते हैं सेम यही बने, तो ये ट्रांसक्राइब करेंगे तो सेम तो नहीं बनेगा, ए के सामने तो आ जाएगा टी, टी के सामने ए आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, तो हम तो ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं इस वाले स्ट्रैंड को, ऐसे ही है, लेकिन वो तो बनेगा इस तरह का। इसलिए अब देखें कि हम अगर दूसरा स्ट्रैंड जो उसके ऑपोजिट है जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं इसको ट्रांसक्राइब करें तो टी के सामने क्या आएगा, ए, ए के सामने क्या आएगा, टी या यू, और जी के सामने सी, और सी के सामने जी। आप देखें अब कौन सा कोड बना, वही कोड जो हम बनाना चाहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का भी यही पैटर्न है, ठीक है, और हम यही पैटर्न कोड करना चाह रहे हैं, और इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए आरएनए में हमें इस वाले स्ट्रैंड को कोड करना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत लाजिम है। ये हमारे पास एक डीएनए है,
अब इस डीएनए में क्या होगा कि ये वाला हम कह रहे हैं स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। हाँ जी, कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों कह रहे हैं इसे कोडिंग स्ट्रैंड? क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इधर लिख लेते हैं ए टी जी, ये तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं इसे? जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड है ये किसके लिए है भला? अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। यानी कि अगर ट्रांसफर आरएनए के पास इस तरह का कोड होगा ना ए टी जी या ए यू जी, ठीक है, तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करवाएगा। ये मैसेज पढ़ेगा राइबोसोम तो फिर वो अमीनो एसिड उसके साथ अटैच करेगा। और अगर इस तरह का हमने ए टी जी कोड बनाना है तो फिर इसके सामने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि न्यू आरएनए बन रहा है इनके दरमियान में, तो ए के सामने जो आरएनए बनेगा उसमें क्या होगा? टी या यू, और टी के सामने ए और जी के सामने सी। तो हम तो चाह रहे हैं ए टी जी बनाना और ये बन क्या गया? यू ए सी। तो इसका मतलब है ये कोडिंग स्ट्रैंड तो यही है, कोड तो इसके पास है, लेकिन हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो ये नहीं बनेगा। फिर ट्रांसक्राइब इसे करके देख लेते हैं। ए के सामने यहाँ पर टी है, समझिएगा ये बात, ये बात समझना ही तो आप आगे कुछ नहीं समझ आना। टी के सामने ए है और जी के सामने सी है। अब हम चाह रहे हैं ए टी जी वाला कोड बनाना। अगर ये वाला स्ट्रैंड कॉपी होगा तो क्या होगा? टी के सामने क्या बनेगा? ए बनेगा। ए के सामने क्या बनेगा? टी या यू, मतलब अगर आर एन ए होगा यू ही बनेगा, और सी के सामने जी। अब देखें वही कोड है ए टी जी, वही कोड है ए यू जी। अब इसका मतलब है कोड ये हम बनाना चाह रहे थे तो इसलिए ट्रांसक्राइब करें तो वो कोड नहीं बनेगा। ट्रांसक्राइब हमें किसे करना पड़ेगा? दूसरे स्ट्रैंड को, ऑपोजिट स्ट्रैंड को। दैट्स वाई वो ऑपोजिट स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर किसी को ये समझ नहीं आया पॉइंट तो मुझे बता दे दोबारा। हाँ, नहीं बनेगा। कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कोड है एक तो बात ही है, लेकिन वो कोड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं ना बनेगा। ए के सामने तो ए तो नहीं आ सकता ना, ए के सामने टी आएगा। तो इसका मतलब है इस तरह का कोड बनाना तो इसके ऑपोजिट वाले को हम कोड करेंगे। हाँ, इसीलिए उसे टेम्पलेट कहते हैं, क्योंकि इसको ऑपोजिट, ये कोड है तो जो कोड है उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड होगा वो ट्रांसक्राइब होगा। दैट्स वाई वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। अब ये हमने पूरा प्रोसेस देखना है कि टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है किस तरह से आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके डिफरेंट हिस्सों को समझेंगे। वो जो एंजाइम है उसके डिफरेंट हिस्से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके फंक्शन की बेस पर आपको सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पार्ट्स ऑफ एंजाइम, सबसे पहले कौन सा एंजाइम भला? पार्ट्स ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इसके बेटा एट द सेम टाइम, एक वक्त में जब ट्रांसक्राइब हो रहा होता है आरएनए, तो दो ही हिस्से होते हैं। वैसे नॉर्मली आप कह सकते हैं तीन हिस्से हैं इसके, इस एंजाइम के कितने हिस्से हैं? तीन। सबसे पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। हाँ जी, ये एक एंजाइम बना के भी दिखाता हूँ। मतलब जैसे राइबोसोम है ना, उसके दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज एक स्मॉलर, और वो कंप्लीट राइबोसोम। ऐसे एंजाइम के तीन हिस्से हैं, तीन सब यूनिट्स हैं। सिग्मा फैक्टर जो है ये ऐसा सब यूनिट है जो सबसे पहले डीएनए की उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, ठीक है, वो वाली साइट जहाँ पर इस एंजाइम ने अटैच होकर आरएनए बनाना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका फंक्शन है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड देन इनिशिएशन, स्टार्ट करवाना है इसने ये काम। और उसके बाद सेकंड है रो फैक्टर, रो फैक्टर, रो फैक्टर का काम है
इलोंगेशन करवाना। इलोंगेशन कैसे होगी कि ये जो डीएनए है इसके दरमियान आरएनए बनता जाएगा और लंबा होता जाएगा, इलोंगेट होता जाएगा। आरएनए कैसे बनेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है, न्यू न्यूक्लियोटाइड। और वो जुड़ते जाएंगे कैसे, जैसे जैसे ये जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे कि ये भी जेनेटिक कोड है, ये अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, तो वो सारा ट्रांसक्राइब करता जाएगा उसके मुताबिक। अच्छा, रो फैक्टर ने फिर क्या करना है, इलोंगेशन सबसे पहले ये करेगा, इलोंगेशन, और उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है, जब डेफिनेटली हमने कहा डीएनए सारे का सारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कुछ हिस्सा है जो इन्वॉल्व होता है, कुछ हिस्सा है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, आप कह सकते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते वो जीन्स। डीएनए में सारे होते तो जीन्स ही हैं, न्यूक्लियोटाइड ही हैं, लेकिन कुछ हिस्सा न्यूक्लियोटाइड का एक्सप्रेस होता है जिसने प्रोटीन बनाना है, कुछ हिस्सा एक्सप्रेस नहीं होता, तो इसलिए ये वो वाला हिस्सा है जिसने एक्सप्रेस होने। तो रो फैक्टर ने बताना है कि यहाँ तक ये जीन है जो एक्सप्रेस होने के काबिल है, जो कि आरएनए बनाने के काबिल है, या इसने बतानी है कि आरएनए की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे बताता है वो भी आगे मैं बताता हूँ। इलोंगेशन के बाद इसने फिर टर्मिनेशन का भी बताना है। टर्मिनेशन कैसे बताएगा कि डीएनए के एंड पे एक सीक्वेंस आएगा जिसे हम कह सकते हैं स्टॉप सीक्वेंस, यानी कि डीएनए खुद बता रहा है कि इससे आगे कोई जीन नहीं है, इसको कॉपी ना करो, अब इसके आगे ये अमीनो एसिड को कोड करने के काबिल नहीं है। वो एक ख़ास सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस की पहचान किसने करनी है, रो फैक्टर ने, ठीक है, और वो पहचान करके इसे टर्मिनेट कर देना है डीएनए से अलग-अलग करके, जैसे मशीन में से कपड़ा निकलता है ना, सिलाई हो के आगे निकलता जाता है, ऐसे ही इस डीएनए में से न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे और वो जो लेंथ उसकी बढ़ेगी आरएनए की, वो बाहर निकलती जाएगी, वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में आती जाएगी। रो फैक्टर के बाद तीसरा जो पार्ट है इसका, जो मेन पार्ट है वो है कोर एंजाइम। वो कौन सा बेटा, कोर एंजाइम जो है ये एक्चुअली 5 सब यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें कितने सब यूनिट होते हैं, 5, 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा 1 सब यूनिट, 1 सिंपल बीटा सब यूनिट, और 1 जो है वो ओमेगा सब यूनिट। ये 5 सब यूनिट है। तो ये कोर एंजाइम मेन आप कह लें एंजाइम की बॉडी है जो कि डीएनए के ऊपर चलती है, ठीक है ना, जैसे सिलाई मशीन में वो जो मेन पार्ट है ना जो कपड़े के ऊपर चल रहा होता है, ये वो वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में, या उसका पांव कहते हैं मशीन का जिसके नीचे आता है कपड़ा, तो ऐसे ये कोर बॉडी मेन बॉडी जो उसका मेन हिस्सा है। बीटा 1 है और ये 1 बीटा मतलब 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा 1 सब यूनिट, 1 बीटा सिंपल यूनिट और 1 ओमेगा सब यूनिट, और कलेक्टिवली ये कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, यानी कि कोर एंजाइम के 5 हिस्से हैं आप कह सकते हैं ऐसे। अब ये देखें, इसको बना के देखते हैं कि सिंपल ये हमारे पास ओमेगा, हाँ वही डब्ल्यू ही है, थोड़ा उल्ट हो गया। अच्छा जी, ये सिग्मा सब यूनिट, सिग्मा के साथ मेन आप कह लें जी मेन कोर बॉडी के साथ ये तीसरे कलर से ये है रो फैक्टर। और आपकी बुक में जो रो फैक्टर का मेन काम टर्मिनेशन है, आपकी बुक में रो फैक्टर वाली टर्मिनेशन नहीं है, दो तरह की टर्मिनेशन होती है, मतलब जब आरएनए बन जाता है ना तो डिटैच किया जाता है ना डीएनए से, तो डिटैच या तो रो फैक्टर की मदद से होता है या रो फैक्टर के बगैर ही होता है, वो कोर एंजाइम ही उसे डिटैच कर देता है, ख़ास सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर रो फैक्टर की मदद से जो मैंने लिखा है, मतलब टर्मिनेशन जब होगी, ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होगी, तो वो किसकी मदद से होगी, रो फैक्टर से, इसके बगैर भी हो सकती है। और इसके बगैर कैसे होगी, ये ख़ास सीक्वेंस होगा, स्टॉप सीक्वेंस उसे कहते हैं, वो सीक्वेंस आएगा तो कोर एंजाइम खुद ही उसे डिटैच कर देगा। तो ये 3 मेन हिस्से हैं इसके, रो फैक्टर, कोर बॉडी और सिग्मा फैक्टर। अब हमने इसके मेन स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। तो डेफिनेटली जिस तरह से ये काम कर रहे हैं
वही इनके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। किस चीज को रिकॉग्नाइज करना भला? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, डीएनए का वो हिस्सा जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उसको तलाश करना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे खास सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। क्या कहते हैं उसे? प्रमोटर सीक्वेंस, प्रमोटर रीजन या प्रमोटर सीक्वेंस। और उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद वो जो मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देगा, इनिशिएशन जिसे हम कहेंगे। इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर और कोर एंजाइम, उसके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये रिकॉग्निशन और इनिशिएशन के बाद सिग्मा फैक्टर जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा। किससे भला? डीएनए से अलहदा हो जाएगा, आरएनए बनना स्टार्ट हो गया और सिग्मा फैक्टर अलहदा होके कोर इंजाइम को और रो फैक्टर को कह रहा अब काम बाकी तुम करो, जो एलोंगेट करना है इसे जितनी लेंथ होनी चाहिए वो अब आपका काम है। हाँ बिल्कुल, रो फैक्टर जो है और सिग्मा फैक्टर ये कोर इंजाइम के साथ अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ फिर मजीद क्लैरिटी आपको हो जाए। डीएनए के साथ अटैच होगा तो आरएनए बनाएगा ना, तो ये एंजाइम बेसिकली डीएनए से अटैच हुआ है फिर उसने आरएनए उसका बनाना है। हाँ बिल्कुल, रेप्लिकेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ जी, रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन, उसके बाद एलोंगेशन। इसका मतलब इनिशिएशन के बाद सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, फिर एलोंगेशन स्टार्ट है, एलोंगेट होगा, लेंथ बढ़ेगी, सीक्वेंस आगे आते जाएंगे। एलोंगेशन के बाद फिर टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगी, वो खास सीक्वेंस होगा, टर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे हम स्टॉप सीक्वेंस भी कह सकते हैं। वो रो फैक्टर की मदद से भी हो सकती है या वो फिर इस स्टॉप सीक्वेंस की मदद से होगी। उस स्टॉप सीक्वेंस को हम कहते हैं 80-80 और इसके बाद ये आता है जीसी हेयर पिन। सिंपली इसे हम कहते हैं जीसी हेयर पिन। जीसी हेयर पिन का क्या मतलब है कि ये खास सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जब आएगा ना, जीसी, इसके बाद मजीद आरएनए नहीं बनेगा और उसके बाद फिर जो आरएनए के साथ बहुत ज़्यादा पोली यू यूरासिल लग जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस आप कह सकते हैं, इसे स्टॉप सीक्वेंस है। ठीक है, ये ऐसे इस किस्म का सीक्वेंस बनना जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है ये कोर एंजाइम को पता चल जाएगा कि अब इसके बाद हमने आरएनए को लेंथी नहीं करना और अब हमने क्या करना है कि वो आरएनए इससे डिटैच हो गया डीएनए से, न्यूक्लियस के अंदर ही है, डिटैच हो के अगर तो प्रोक्रियोटिक सेल है तो वो तो सिंपल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, नज़दीक ही है साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर यूक्रियोटिक सेल है तो उसने एक पूरा लेंथी सफ़र तय करना है और वो सफ़र क्या है कि न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम को ढूंढना है, उसके पास जाना है ना मैसेंजर आरएनए की सूरत में। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होगा। वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, डेफिनेटली आरएनए दोनों तरफ से रिएक्टिव है तो उसे प्रोटेक्ट करना है प्रोटीएज एंजाइम से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम से, कि उसके न्यूक्लियोटाइड को अलहदा ना कर दे। जो आरएनए की एक लेंथ बनी है उसमें से न्यूक्लियोटाइड एंजाइमेटिकली गिर भी सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, इसके साथ एक पोली ए टेल लगाते हैं, उसे हम कहते हैं पोली ए टेल और हेड जीटीपी, 7-methylated जीटीपी। मैं बताता हूँ ट्रांसपोर्ट कहते हैं प्रोकैरियोट्स में होगी, प्रोकैरियोट्स में तो सिंपल ये मूव कर जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स में होगी तो ये मूव नहीं करेगा बल्कि ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर दो चीज़ें लगेंगी, एक हेड लगेगा आरएनए के एक किनारे पर, हेड लगेगा जिसे हम कहते हैं 7-methylated जीटीपी, और एक टेल लगेगी जिसे हम कहते हैं पोली ए टेल, बहुत ज़्यादा एडिनिन उसके साथ लगेगी, ए ए ए एडिनिन वाली जो बेसिस हैं वो एंड पे लग जाएंगी। मतलब सिंपल हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड बना
इस न्यूक्लियोटाइड में ये वाला इसका हेड बनेगा और ये वाली इसकी टेल बनेगी। अब इसने ट्रांसपोर्ट होना है तो यहाँ से ये रिएक्ट कर सकता है कोई एंजाइम इसके ऊपर, इसे डैमेज कर सकता है, इसलिए बचाने के लिए यहाँ पर GTP और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिनोसिन वाली एडिनिन बेसिस लगेंगे, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव हो गया। अब ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से ये मेन इसके स्टेप्स हैं। अब हमने इस प्रोसेस को देखना है, इस प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले हमने वही स्ट्रक्चर बनानी है DNA की, अब बेटा जितना भी टॉपिक है ना इस स्ट्रक्चर से दोबारा से हमने रिवाइज करना, तो ये स्ट्रक्चर जानिएगा। DNA डबल स्ट्रैंडेड है, अब बुक के ऊपर स्ट्रक्चर बनी होगी कुछ इस तरह से, दोनों एंड से इस तरह वो अनवाइंड होता है, तो अनवाइंड मतलब वाइंडिंग उसकी हेलिकल फॉर्म में होता है, यहां दरमियान से इसकी अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग का मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन हो गई है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन किस मदद से होती है, जैसे हेलिकेज करता था ना उसे अनवाइंड, यहाँ पर यही कोर एंजाइम इसका काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें सिंपल आप समझें कि ये वाला हिस्सा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी DNA का हिस्सा है ये हिस्सा ट्रांसक्राइब हो सकता है, ठीक है, बाकी जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा। और ये स्ट्रैंड अब जो खुलेगा अनवाइंडिंग होगी इस एंजाइम की मदद से, और इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या सिंपल ये कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये बबल बन गया, ओपन हो गया, दोनों तरफ से अनवाइंडिंग इसकी हुई हुई है, यहाँ से सॉरी अनवाइंडिंग हुई है और दोनों तरफ से ये दोबारा अपनी हेलिकल फॉर्म में। इसमें ये वाला स्ट्रैंड जो है इसमें कहता है प्रमोटर आता है। प्रमोटर रीजन कौन सा रीजन है? ये ऐसा रीजन है जिसके साथ RNA पॉलीमरेज आके अटैच हो सकता है, और वो अटैच कैसे होगा? प्रमोटर सीक्वेंस खास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जैसे ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक खास सीक्वेंस लगा होता है जिसे हम कहते हैं TA GA CA, या फिर टाटा बॉक्स इसे हम कहते हैं, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स किसे कहते हैं कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है DNA में टी ये न्यूक्लियोटाइड का या नाइट्रोजनस बेसिस का, जहां पर TA TA आएगा ये टाटा बॉक्स है, ये रिकॉग्नाइज करेगा कि यहां से आगे जो DNA है वो ट्रांसक्राइब हो सकता है, जेनेटिक कोड यहां पर मौजूद है। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी प्रमोटर रीजन है, यानी कि ये भी खास रीजन है जहां पर ये अटैच हो सकता है एंजाइम, ये वाला RNA एंजाइम जो है ये अटैच हो सकता है। प्रमोटर सीक्वेंस दो तरह के नॉर्मली आपकी बुक में है। अच्छा, टाटा बॉक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल में, और ये टाटा बॉक्स बताएगा कि यहाँ पर भाई आके एंजाइम आप अटैच हो सकते हैं। तो एंजाइम का सबसे पहला हिस्सा जो कि इसके साथ अटैच होगा वो कौन सा है? टाटा बॉक्स। बेटा प्रमोटर है, इसने बताना है कि भाई RNA पॉलीमरेज आ जाओ, अटैच हो जाओ। सिग्मा फैक्टर ने, यहाँ पर सबसे पहले कौन अटैच हुआ? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया, इसको पता चल गया ये प्रमोटर है, क्योंकि आप देखिए सिग्मा फैक्टर ने रिकॉग्नाइज करना है और उसी ने इनिशिएशन करवानी, इसको पता चल गया यहाँ से आगे वाला जो सीक्वेंस है ना यहाँ तक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ से जो RNA हम बना सकते हैं, ठीक है। और RNA बनाने के लिए उस RNA पॉलीमरेज को यहाँ पर अटैच होना पड़ेगा, वो यहाँ पर अटैच हो गया। इसमें वो कहता है एक पॉइंट है सिंपल याद रखिएगा, -25 या -35 इस तरह से, और -10 -75। ये वाला जो -25 और -75 है ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रमोटर रीजन की एक साइड है, और ये वाला जो -10 टू -35 है ये प्रोकैरियोट्स में है।
ये एक्चुअली है क्या चीज़, सिंपल, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये याद रखिएगा। प्रमोटर रीजन से अगर हम आगे की तरफ जाएं ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड लगा है, एक ये, एक ये, एक ये, मैं बताता हूँ, ये वाला -25 to -75 और प्रोकैरियोट्स में -10 to -35। अब देखें, अगर प्रमोटर रीजन से आगे की तरफ जाए ना, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, +1, +2, +3, +4। और अगर इस प्रमोटर रीजन से या जहाँ से ये जहाँ पे इंजाइम अटैच होता है, इससे पिछली जानब जाएं, तो -1, -2, -3। तो इसका मतलब है यहाँ से पीछे -10 जो प्रोकैरियोटिक सेल है, माइनस न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाएं और -35 न्यूक्लियोटाइड से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान तक, ये वो वाला रीजन है जहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सकती है। सिंपल एक निशानदही के लिए उन्होंने बोला है। और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो -25 के ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है जहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे और 25 न्यूक्लियोटाइड से 75 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान से यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो सकती है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सकता है। तो सिंपल, बहुत ज़्यादा इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, यहाँ से पीछे अगर न्यूक्लियोटाइड को गिने तो वो माइनस के वर्ड्स में उसने लिखा है। अच्छा जी, अब हमने सिग्मा फैक्टर देखा कि इसने काम स्टार्ट करवा दिया है। क्या स्टार्ट करवाया, 5' एंड से हमेशा 3' एंड की तरफ ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाएगा। ये न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, ये देखिए न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, और जैसे मशीन से कपड़ा सिलाई होकर बाहर निकलता है, इसमें से आरएनए निकल निकल के बाहर आता जाएगा और आगे ये चलता जाएगा। तो सिंपल, अगर आप कहें ये वाला जो सीक्वेंस है, डीएनए भी मौजूद है, उन डीएनए के दरमियान में, दोनों स्ट्रैंड के दरमियान में एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए, और उस स्ट्रैंड की जो लोकेशन है 5' एंड से 3' एंड की तरफ है। ठीक है, ये 5 से 3 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों को हम कहते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। डीएनए भी मौजूद है और आरएनए भी मौजूद है, और इस कंडीशन में इस पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, कि आरएनए भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या होगा, एलोंगेशन होती जाएगी होती जाएगी, जितनी लेंथ आरएनए की बननी है वो बन के बाद में रो फैक्टर की मदद से या कोर एंजाइम की मदद से जब एंड पे यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस यहाँ से टर्मिनेशन हो जाएगी, कोर एंजाइम इसे यहां से अलग कर लेगा, और ये वाला जो आरएनए है यहां से बिखर के या सेपरेट होके अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर आके इसके ऊपर हेड बनेगी एक, और एक टेल बनेगी, और टेल बन के ये यहां से माइग्रेट हो जाएगा। जो ये स्टॉप सीक्वेंस है ना, ये कैसे आता है, ये कहता है कि बाज दफा इसमें जो जीसी हेयर पिन बनती है, जीसी हेयर पिन का मतलब क्या है कि ये यू शेप, एक खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चलता है जिसमें जी सी इस तरह से रिपीटेडली आते हैं, और जी के सामने सी जब आता है तो ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं, इधर से भी लिंक कर जाते हैं, और इस तरह से ये जीसी हेयर पिन बन जाती है, और आगे इसके जीसी हेयर पिन के बाद बहुत ज़्यादा यू स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर वो कोर एंजाइम जो है वो सेपरेट कर देता है इसे। मतलब सिंपल आप कह लें कि जब ये आरएनए बन रहा होगा, तो जब आरएनए बनता उसे दिखाई दे रहा होगा एंजाइम को, तो यकदम जीसी हेयर पिन आएगी, वो इसको अलहदा कर देगा, और अलहदा करके फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके ऊपर हेड लगाएगा और एक टेल लगाएगा, और इसको यहाँ से फिर माइग्रेट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, जहाँ पर वो आरएनए जो है राइबोसोम उसको पढ़ेगा, उसके जेनेटिक मैसेज को पढ़ेगा, और पढ़ के उसके मुताबिक प्रोटीन बनाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। कोर एंजाइम मेन बॉडी है एंजाइम की,
जिसने मेनली इसके ऊपर चलना है, ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर के बाद यहाँ पर आप लगा लें ये मेन कोर बॉडी है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर अलहदा हो गया, अलहदा होके कोर बॉडी इसके ऊपर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, सही है। जब ये ऊपर चलती जाएगी ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का पड़ती जाएगी, एंड पे स्टॉप सीक्वेंस आएगा। उस स्टॉप सीक्वेंस के बाद जी सी हेयर पिन जिसे हम कहते हैं, वो स्टॉप सीक्वेंस के बाद ये इंजाइम इसको अलहदा कर लेगा। इससे उसे समझ लग जाएगी कि इससे आगे हमने अब कुछ नहीं बनाना, ठीक है। तो ये मेन काम इन्हीं तीनों जो इसके फैक्टर्स हैं या सब यूनिट्स हैं इनका है। जी बेटा किधर किधर, ये स्टॉप सीक्वेंस मतलब यहाँ से आप कह लें स्टार्ट होता है, इंजाइम अटैच होता है और ये न्यूक्लियोटाइड लगाता जाता है और यहाँ से आरएनए निकलता जाता है। और ये जीसी हेयर पिन, ये इधर जो मैंने बनाया, जब आरएनए बन रहा होता है तो लगातार जीसी बनता जाता है ना, तो वो जीसी जो है एक दूसरे के साथ फोल्ड होके आपस में भी बॉन्डिंग बना लेता है। जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाता है तो वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी, वो पिन जो होती उसकी तरह की। इसके आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, फिर वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और यहीं से आगे हमारा लेक्चर भी स्टॉप हो जाता है। अल्लाह हाफिज़, स्टॉप कर दें।